Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today the topic of discussion is PAK relation with Saudi Arabia. यानी आज हमने देखना यह है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं और किस तरह से हम उनके साथ वो हमें सपोर्ट करते हैं और किस तरह से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ. पाकिस्तान ने किस तरह से रोल प्ले किया टू डिवेलप सऊदी अरेबिया. इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के लोगों के दरमियान शुरू से ही आपको पता है कि ड्यू टू सेग्रेड प्लेसेस ऑफ मक्का और मदीना हम उस एरिया की वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं. और सऊदी अरब की जब से एक सेपरेट स्टेट के तौर पर सऊदी अरब ने अपनी वर्किंग स्टार्ट की है तो तब से ही वो एरिया हमारे लिए रिस्पेक्टेबल रहा है. तो पाकिस्तान ने हर मैदान में एवरी फील्ड ऑफ लाइफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब को टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो, हर तरह से उनको सपोर्ट किया, उनको असिस्ट किया है. ठीक है, इवन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और बहुत सारी और कामों में, स्पेशली जो हमने उनके जो सऊदी अरब को पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा असिस्टेंट मिली वो थी कि हमने कि आपको पता है कि पहले सऊदी अरब की अपनी कोई आर्म फोर्स नहीं थी, तो पाकिस्तानी और जितने भी डिफरेंट कंट्रीज के जो फौजी थे ये लोग जाके वहाँ पर उनका डिफेंस जो है वो संभालते थे. फिर पाकिस्तान के फौजियों ने, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने जो सऊदी अरब के फोर्सेस के लोग थे उनको ट्रेन किया एंड देन अब उनकी अपनी आर्मी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पर अपनी कंट्री की तरफ से सऊदी अरब को असिस्ट कर रहे हैं. अगर हम इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालें तो सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशन एट लेवल ऑफ कमर्शियल, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक लेवल. ठीक है, तो उनके पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफरेंट लेवल पर गुड रिलेशनशिप है, चाहे वो कमर्शियल लेवल है, कल्चरल है, रिलीजियस है. और ये कब से है? जब पाकिस्तान बना था तब से ही. ठीक है, और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है और पाकिस्तान की जो अब करंट भी फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी सऊदी अरब को हम हमारे लिए उनके लिए एक बहुत अहम मकाम है, क्योंकि एक तो वो हमारे वहाँ पर हमारी सेक्रेट प्लेसेस हैं, मुकद्दस मकामात हैं, और दूसरा ये कि वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो बीइंग अ मुस्लिम वर्ल्ड हमें एक दूसरे के साथ गुड रिलेशनशिप डेवलप करना है. अच्छा जी, जब 1965 और 71 की वॉर्स हुई थी, एट दैट टाइम इंडिया ने जब हम पर वॉर जो है वो हमें एक वॉर में इंगल्ज किया एट दैट टाइम, सऊदी अरब वॉज वन ऑफ द कंट्री जिसने हमें हर लिहाज से सपोर्ट किया, फाइनेंशली सपोर्ट किया, या जिस लेवल पर भी वो हमें सपोर्ट कर सकता था उसने हमें हर तरह से सपोर्ट किया. और सबसे ज़्यादा जो आपको पता है कि हमारी उनके साथ एक तो हमारी फ्रेंडली रिलेशनशिप है, बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, एक कंट्री उनके साथ हमारे गुड रिलेशन है, लेकिन उसके उस रिलेशनशिप के मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने की जो वजह है वो क्या है? वो टू होली सिटीज़ जो हैं वो they are situated in Saudi Arabia, मक्का एंड मदीना. तो वहाँ पर क्योंकि हम लोग हज करने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर हज करने आते हैं, तो इस वजह से जो ये सऊदी अरब है तकरीबन तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के साथ सऊदी अरब के गुड रिलेशनशिप हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर कोई भी कंट्री उनके साथ रिलेशनशिप जो है उनके किसी भी मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज के रिलेशनशिप उनके साथ ख़राब हो जाते हैं, तो ये अंडरस्टूड सी बात है बच्चों कि सऊदी अरब जो है वो अपना वीज़ा उन लोगों के लिए बंद कर देगा. जब वीज़ा बंद कर देगा तो क्या होगा? उस कंट्री के लोग मक्का और मदीना हज करने के लिए नहीं आ सकेंगे. जब लोग हज करने नहीं आ सकेंगे तो वो उस कंट्री के अंदर रिजेंटमेंट पैदा हो जाएगी. आपको बताइए, बहुत अरसा तक ईरान और सऊदी अरब के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब रहे थे, तो सऊदी अरब ने ईरान के लिए अपना वीज़ा स्टॉप किया हुआ था, यानी वहाँ के लोगों को उमरा और हज करने के लिए वीज़ा सऊदी गवर्नमेंट नहीं देती थी. ठीक है, तो ये भी एक सऊदी अरब को बेनिफिट है कि तमाम मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो उनके साथ गुड रिलेशनशिप या बेटर रिलेशनशिप में उनके साथ जुड़ी हुई है. और उसकी एक मेन वजह जो है ये दो मेन सिटीज़ हैं हमारे मक्का और मदीना, इस वजह से
हमारे उनके साथ वेरी गुड रिलेशंस जो हैं वो डेवलप हुए हैं. बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरब एंड पाकिस्तान, शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना तब से ही मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के गुड रिलेशनशिप हैं. टाइम टू टाइम इन रिलेशनशिप में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है क्योंकि हमारे उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप इसी वजह से हैं कि एक तो सऊदी अरब मुसलमानों के मुस्लिम वर्ल्ड का एक अहम कंट्री है और साथ ही साथ जो है वो पूरी दुनिया में ये एक चीज़ मशहूर है कि पाकिस्तान इज़ क्लोजेस्ट अलाय ऑफ सऊदी अरेबिया. ठीक है, तो ये बात भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान जो है एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, एक बहुत ही अच्छा दोस्त है. पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं वो दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन जो के मुस्लिम वर्ल्ड की है, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके भी मेंबर हैं. ठीक है, सऊदी अरब ने हर पॉइंट पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाहे वो इंडिया के साथ वॉर हो, चाहे वो बांग्लादेश का इशू हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, कोई भी इशू हो तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है. तो कश्मीर के इशू पर जो पाकिस्तान का स्टांस होता है, मौकफ होता है, सऊदी अरब ऑल द टाइम उसी को जो है वो एक्सेप्ट करता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है. गल्फ वॉर 1919 to 1999. अच्छा, ये वो वॉर है बेटे जब मैंने आपको बताया कि इराक और ईरान के दरमियान में वॉर हुई थी. इस वॉर को पर्शियन गल्फ वॉर कहते हैं. ठीक है, पाकिस्तान ने उस वक्त भी, क्योंकि सऊदी बॉर्डर जो था वो इनसिक्योर हो गया था इराक और ईरान की जंग की वजह से, तो एट दैट टाइम पाकिस्तान ने फिर अपने ट्रूप्स वहाँ भेजे टू प्रोटेक्ट इस्लामिक होली साइट्स इन सऊदी अरेबिया. तो पाकिस्तान जो है उसने गल्फ वॉर में जब सऊदी अरब का बॉर्डर इनसिक्योर था तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सपोर्ट किया. कल हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन की, तो एट दैट टाइम पाकिस्तान ने इस गल्फ वॉर में ईरान को भी फुली सपोर्ट किया था, क्योंकि प्रीवियसली जब 71 और 65 की वॉर्स हुई थी तो उन वॉर्स में ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था. तो जब ये गल्फ वॉर हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान ने पर्शियन यानी कि ईरान को भी सपोर्ट किया और साथ ही साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरब के, क्योंकि बॉर्डर इनसिक्योर थे, उनको इनसिक्योरिटी का फीलिंग आ रही थी, तो हम लोगों ने अपने ट्रूप्स वहाँ भेजे, फौजी भेजे, ताकि सऊदी बॉर्डर को जो है वो सिक्योर किया जा सके. अच्छा जी, अब जब 1998 की बात करते हैं कि जब हमने पाकिस्तान ने जब अपने एटॉमिक टेस्ट किए थे तो उस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान को जो है वो मुखालफत का सामना था. ऑल द वर्ल्ड स्पेशली नॉन मुस्लिम वर्ल्ड वॉज अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन सऊदी अरब ने अभी पाकिस्तान ने टेस्ट नहीं किए थे तब भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को कहा कि जी हम आपके साथ हैं, आप टेस्ट करें, हम आपको हर तरह से असिस्ट करेंगे. और फिर इस तरह से पाकिस्तान ने जब चागी हिल पर अपने टेस्ट किए, ठीक है, तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को कहा कि जी आपने बहुत गुड डिसीजन किया है. और आपको पता है कि फिर ना पाकिस्तान पर बहुत सारी इकनॉमिक सेंक्शंस लग गई थी इसके बाद. पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा इकतसादी पाबंदियाँ लग गई थी कि जी हमें IMF से कर्जा नहीं मिलेगा, हमें और हमें कहा गया कि जी जल्दी जल्दी अपना जो आपका लोन है वो आप रिटर्न करें. सो मैनी थिंग्स आर देयर. तो एट दैट टाइम सऊदी अरब प्रॉमिस टू सप्लाई 50,000 barrels per day ऑफ फ्री ऑयल टू हेल्प पाकिस्तान. यानी आप देखें 50,000 barrels रोजाना का उसने हमें फ्री ऑयल देने की हेल्प का जो है वो उसने प्रॉमिस किया, ताकि पाकिस्तान जो है वो जो उस पर इकोनॉमिकली सेंक्शंस लगी हुई हैं, इकोनॉमिक सेंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, और जो भी उस पर वर्ल्ड लेवल पर प्रेशर आ रहा है उसकी इकॉनमी पर जो भी असरात आ रहे हैं उनको वो टैकल कर सके, उनको वो उनसे बच सके. ठीक है ना, तो ये बहुत एक मेन सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हेल्प थी जो कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को प्रोवाइड की. मिलिट्री कोऑपरेशन, मैंने आपको पहले बताया कि पहले सऊदी अरब की अपनी कोई फोर्स नहीं थी,
सऊदी अरब ने कुछ लोगों को जो है वो ट्रेन करवाया थ्रू पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, और फिर जो है इसी तरह से उनकी अपनी कोई फाइटर पायलट्स वगैरह नहीं थे, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको जो है वो सपोर्ट किया और उनको ट्रेन किया, और इस तरह से जब पाकिस्तान ने उनको फुली ट्रेन कर दिया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस या अपने ट्रूप्स वहां से बुला ली हैं, अब उनके फौजी खुद काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी को लुक आफ्टर करने के लिए, अभी भी उनको मजीद ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब में अपने ट्रूप्स जो है या लोग जो है जो उनको जिस तरह के भी प्रोफेशनल्स की उनको ज़रूरत होती है, आर्मी के लेवल की रडार टेक्नीशियंस होते हैं या कोई और फाइटर पायलट्स होते हैं, किसी तरह की भी सऊदी अरब को ज़रूरत होती है, तो पाकिस्तान जो है वो अपनी आर्मी के लोगों को वहाँ पर डिप्यूट कर देता है, और इस तरह से वो पाकिस्तान जो है वो अपनी पूरी तरह से मिलिट्री हेल्प जो है वो कर रहा है। इसी तरह से बहुत सारे पाकिस्तानी इक्विपमेंट्स जो हैं, वॉर इक्विपमेंट, वो भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बाय किए हैं। कल्चरल एंड कमर्शियल टाइज, ठीक है, पाकिस्तान देखें सऊदी अरब के साथ एक तो हमारे रिलीजियस बॉन्ड है ही है, ठीक है, इसी तरह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एजुकेशनल एड जो है वो भी एक्सचेंज होती रहती है, मतलब यहाँ से हमारे स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, उनके स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, फिर इसी तरह से सऊदी अरब ने यहाँ पर बहुत सारी आप कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग्स भी बनवाई, जिसमें कुछ मदरसा थे, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो फेमस सऊदी अरब की हेल्प से सॉरी सबसे ज्यादा जो फेमस सऊदी अरब की हेल्प से हमारे मुल्क में बिल्डिंग बनाई गई वो फैसल मॉस्क है, जो कि इस्लामाबाद में है, ठीक है, और ये इसी वजह से इसको फैसल मॉस्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सऊदी अरब के किंग थे शाह फैसल, उन्हीं के नाम पर, क्योंकि उन्होंने इस मॉस्क को बनाने के लिए हेल्प आउट किया था, तो इसी वजह से उनको इस मॉस्क का नाम जो है वो शाह फैसल मॉस्क या फैसल मॉस्क इस्लामाबाद रखा गया, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ स्कूल जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने बनवाए, कुछ को फंडिंग की, कुछ को उन्होंने बिल्डिंग बनवा कर दी, कुछ को उन्होंने जो है वो और तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट की, इसी तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प आउट किया, जैसे पाक अरब फर्टिलाइजर है मुल्तान के पास, तो ये भी सऊदी अरब के ताउन से हमने यहाँ पर बिल्डअप की, ठीक है। इसी तरह से जो पाकिस्तान का एक सिटी है फैसलाबाद, उसका नाम पहले लॉयलपुर होता था, बाद में इसका नाम 1977 में चेंज करके तो फैसलाबाद रख दिया गया, ठीक है। जब यहाँ पर जियाउल हक ने इस्लामाइजेशन के लिए काम किया 1977 टू 1988, तो उस टाइम पर भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फुली सपोर्ट किया, ठीक है, और पाकिस्तान ने 2006 में किंग ऑफ अब्दुल्ला जो सऊदी अरब के थे उन्हें निशाने पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, वो सऊदी अरब के किंग को दिया, ठीक है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक और फाइनेंशियल डील है वो क्या है कि वो पेट्रोलियम है, क्योंकि सऊदी अरब में का जो मेन आप कह लें कि उनकी इकोनॉमी है उसकी बेस उनके ऑयल पर है, तो पाकिस्तान को वो सस्ते दामों जो है वो पेट्रोल दे रहा है, ठीक है ना, तो ये भी पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान और इनके दरमियान क्या क्या एक्सचेंज हुआ चीज़ों का, या क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान को दी गई सऊदी अरब की तरफ से, मोर एड रिसीव कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द अरब वर्ल्ड, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से जो सबसे ज्यादा एड या हेल्प मिलती रही वो सऊदी अरब से मिली। 2001 के अंदर 380 मिलियन सॉफ्ट लोन गिवन टू द स्पोर्ट बजट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान को 2001 के अंदर जो है वो दिया गया, जिसमें फर्टिलाइजर था, फाइनेंसिंग था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, इन पर लगाने के लिए सऊदी अरब की तरफ से हमें पैसे मिले, ठीक है। 2003 में भी डिफरेंट किस्म की जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए $2 मिलियन जो है वो
सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी। 2006 में भी इसी तरह से एड दी गई और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो फ्री ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट जो था वो स्टार्ट किया गया। 2005 में जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया तो उस टाइम पर भी सऊदी अरब जो था वो वन ऑफ द टॉप टॉप पे, उस टाइम पर भी सऊदी अरब जो था वो वन ऑफ द टॉपेस्ट या आप कह लें कि सबसे मेन जो डोनर थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले 2008 के अर्थक्वेक में वो सऊदी अरब था। ठीक है, इसी तरह से फिर भी जो लार्ज लेवल की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर वो आपको पता है कि वो भी यहाँ पर सऊदी अरब के तावन से बहुत सारी सिस्टम्स जो हैं वो चल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पाकर फर्टिलाइजर है या और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सऊदी अरब की तरफ से फंड्स मिलते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशंस को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो हमें यही चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशन शुरू से ही बहुत कॉर्डियल रहे हैं, बहुत गुड रिलेशनशिप्स रहे हैं और कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम सऊदी अरब के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात ख़राब करेंगे या कभी उन्होंने हमारे साथ, क्योंकि हाँ दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, दोनों ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं और दोनों के आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप है। बहुत दफ़ा लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की बट अल्लाह का शुक्र है कि हर बार पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशनशिप जो है वो उनमें कोई दरार नहीं आई, कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ। बायलैटरली इन लोगों ने अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व किया और हर स्टेप पर अगर पाकिस्तान को कोई मसला होता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अगर सऊदी अरब को कोई मसला होता है तो पाकिस्तान को जो है वो सऊदी अरब को सपोर्ट करता है। हर साल हमारे कितने लोग जो हैं वो हज उमरा के लिए वहाँ जाते हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी कंट्री का वीज़ा जो है वो लेने के लिए आपको ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ती, हमें आपको उमरा और हज के लिए जो है वो ईजीली वीज़ा वहाँ से मिल जाता है। और एक और चीज़ के पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो सऊदी अरब में जॉब के लिए भी जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो काम भी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं इनका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और गुड साइन है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब आपस में एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। देखें जी, बात यही आ जाती है कि जब एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको मुश्किल में काम आए। तो आप देखें कि सऊदी अरब ने, अब तक हम जितनी डिस्कशन कर चुके हैं आपने देखा कि सऊदी अरब ने ऑल द टाइम पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट किया है उसके हर इशू में, चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो इंडिया के साथ वॉर हो, चाहे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ने भी फिर ये नहीं किया कि जी अच्छा वो हेल्प करें तो हम उनकी कोई हेल्प नहीं करें। पाकिस्तान ने भी ईच एंड एवरी स्टेप पर सऊदी अरब को हर तरह से दुनिया में के जो भी इश्यूज़ हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के जो इश्यूज़ हैं या इंटरनेशनली जो भी इश्यूज़ हैं उस पर सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो हमें एक ही पेज पर नज़र आते हैं। थैंक यू वेरी मच।